आज मैं ये गाड़ी खरीद लेता हूँ तो उसके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि लोग पहली तो भाई भी खरीदेंगे, ये होता है कि यहाँ पे बैटरी तो मिलती नहीं, तो वो बैटरी की कॉस्ट क्या आएगी अगर मैं रिप्लेस कराता हूँ, कितनी वारंटी होगी इसकी, और अगर कोई मुझे मसला आ जाता है बीच में तो मेरे पास क्या वे आउट है। पाकिस्तान में अगर आप पेट्रोल प्राइस से तंग थे और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आपके बजट में नहीं थी, सो देन आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, देयर इज अ कार व्हिच इज नाउ इन योर बजट। This is the Series 3. This has been launched recently and we are here to check its practicality and to have a test drive of it. Let's go. So today we have Abdul Ahad with us, who will assist us in this test drive review. So Ahad, how are you? Alhamdulillah. Perfect. अच्छा मुझे जल्दी से brief करें इस गाड़ी के बारे में, ये है क्या और कौन सा variant है, कौन सा model है? ये गाड़ी है Series 3. एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कोई हाइब्रिड मैकेनिज्म इसके अंदर शामिल नहीं है। यहाँ पर ये गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई है रीगल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, जो हमारा इससे पहले फ्लैगशिप प्रोडक्ट था, सही है, दैट वाज ग्लोरी 580 प्रो, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई रियली होप दिस विल बी आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट। परफेक्ट परफेक्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये गाड़ी अगर मैं आज फुल टाइम चार्ज करता हूँ, ये गाड़ी में बैटरी कितनी है और ये कितने किलोमीटर चली? ये जो गाड़ियां हैं, दीज आर कंप्राइज्ड ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, जितनी मॉडर्न ईवीज हैं सारी लिथियम आयन बैटरीज, इनकी जो बैटरीज हैं वो लिथियम आयन से बनी हुई हैं। इसकी बैटरी कैपेसिटी है 49.4 किलोवाट्स। इस गाड़ी को अगर आप एक फुल चार्ज करते हैं तो वो फुल चार्ज आपका हो जाता है तकरीबन 2000 से 2200-2300 रुपए के बीच में, अगर आप इसको अपने घर पे चार्ज कर रहे हैं, और अगर आप किसी कमर्शियल स्पेस पे चार्ज कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल शेल के पेट्रोल पंप पे, होता नहीं है बट हाँ बिल्कुल, कभी मैं कहता हूँ किसी को जरूरत पड़ सकती है कि आप किसी शेल के पेट्रोल पंप पे आप इसको फास्ट चार्ज पे लेके जाते हैं, सुपर फास्ट चार्जिंग जो होती है उसमें अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो वो जो आपसे रेट चार्ज करेंगे उसमें आज के उनके रेट्स के हिसाब से ये गाड़ी फुल चार्ज होती है अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपए में, 2800 से 3000 रुपए में एज पर एनईडीसी बेसिकली एक इदारा है जो इसी तरह की चीजों को स्टैंडर्डाइज रेट करता है, एज पर एनईडीसी ये गाड़ी कवर करती है 403 किलोमीटर यानी 403 किलोमीटर। अच्छा रियलिस्टिक जो हमने इसको टेस्ट किया है इन कराची, स्पेसिफिकली इन कराची में बात कर रहा हूँ, मैंने खुद जो गाड़ी को टेस्ट किया है, इसका डेमो यूनिट हमारे पास रहा है काफी अर्सा, वो गाड़ी प्रैक्टिकली कराची शहर में ट्रैफिक ऑब्वियसली एवरी टाइम विद एयर कंडीशनिंग ऑन कवर करती थी अप्रोक्सीमेटली 340 से 360 किलोमीटर, आप एक एवरेज कह सकते हैं कि जी 350 किलोमीटर वो गाड़ी कवर करती है। अच्छा ऑब्वियसली ये चीज भी आपकी नॉर्मल गाड़ी में फ्यूल एवरेज की तरह है कि यूजर टू यूजर डिफरेंट, यूजर टू यूजर वैरी। अच्छा शुड वी स्टार्ट ड्राइविंग नाउ? श्योर, पुट द सीट बेल्ट ऑन। तो अब हम एक क्विक इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, आई विल लेट द व्यूअर्स नो कि वो चलने में कैसी है, क्या है। बिल्कुल ठीक है। So, okay. अच्छा ये पुश स्टार्ट बटन है, ये दबाया गाड़ी स्टार्ट हो गई, रेडी लिखा हुआ है, वी कैन शिफ्ट। अच्छा गियर नॉब जो है आई बिलीव BMW इंस्पिरेशन ये उड़ी बिल्कुल ऐसा ही, ऊपर एक खूबसूरत डायमंड कट। अच्छा वैसे मैंने काफी चीजें देखी हैं जो इसके अंदर थोड़ी इंस्पिरेशन है दूसरी गाड़ियों से, जैसे पीछे का डिजाइन है थोड़ा पोर्शे से मिलता है। एग्जैक्टली आपने इसके चाबी का डिजाइन देखा होगा, चाबी का डिजाइन जो है वो भी पोर्शे से मिलता है, ग्रिल जो है वो बीएम ओ सॉरी मर्सिडीज EQS ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, तो सही है, चाइनीज गाड़ियां ज्यादातर आई बिलीव इंस्पिरेशन ही है, वो इंस्पिरेशन यूरोपियन से ही लेते हैं ज्यादा, बट ये है वो ऐसा ऐसा इवॉल्व होते हैं। बिल्कुल। अच्छा अब ये आप गाड़ी चलनी शुरू हो गई, इट डजंट मेक्स एनी साउंड क्योंकि ये फुली इलेक्ट्रिक है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, बड़ा अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अच्छा व्हाइट है ज्यादातर, मैंने देखा है लोग जो दूसरी गाड़ी में वो ब्लैक पे बेस्ड होता है, बट ये टोटल व्हाइट पे बेस्ड है। हम इसके अंदर वो चेंज कर सकते हैं क्या इसका पीछे वॉलपेपर? बिल्कुल, एक मिसाल है कि आपके पास कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी है इसको, और दूसरा एक और ऑप्शन आपके पास ये रियर, अच्छा रियर पैसेंजर, बिल्कुल ठीक है, उसको माफी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवेज जो मैं आपको बता रहा था ये व्हाइट पर इसलिए बेस्ड है, आप गाड़ी अभी दिन में डे लाइट में ड्राइव कर रहे हैं जी, तो आप इसको ऑटो पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसके जैसे ही रात को हेडलाइट्स ऑन होंगी जी ये ऑटोमेटिकली नाइट विजन पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये ब्लैक हो जाएगा और जो डिजिट्स हैं वो ब्राइट कलर में आ जाएंगे। सही है। और आप अगर चाह रहे हैं कि जी आपको नाइट विजन वाला ही जो इसका व्यू है वो ज्यादा पसंद है, ऑल टाइम आप उसी पे रखना चाह रहे हैं आप उस पे रख सकते हैं, आप इसको चाह रहे हैं कि ऑल टाइम ये इस डे लाइट विजन पर ही रहे तो ये उस पर रहेगा। अच्छा इसमें अगर मैं होम स्क्रीन सेलेक्ट करना चाहूंगा कैसे होगी? ये होम स्क्रीन ही है अभी।
अच्छा ये भी करंटली ऑन स्क्रीन पर ही है सो आई कैन नॉट यूज the other features नॉर्मली ये आपके पास जो है बेसिकली टैबलेट है एंड्रॉइड टैबलेट आप इसे कह लें ठीक है ये आपके पास जो है वो सारे फीचर्स इवन द इंटीरियर सीम्स द क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी प्रोटॉन ओ सॉरी प्रोटॉन कह रहा हूं मैं ग्लोरी 580 प्रो से तो बहुत मुझे प्रॉमिसिंग सुपीरियर है कहीं ज्यादा सुपीरियर है नो डाउट अबाउट इट और लोगों का ये कंसर्न होता था पहले भी तो वो तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया ठीक है ना ठीक है तो अच्छा इंटीरियर डिजाइन जो है वो भी मुझे मर्सिडीज जो 1970s की होती थी मुझे उसका बड़ा वो लग रहा है सिमिलर आप ये कह रहे हैं कि क्लासिक और मॉडर्न का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है आई रियली लव द इंटीरियर सॉफ्ट टच अच्छा हर जगह यहाँ पे भी नहीं ये सॉफ्ट टच है नहीं ये हार्ड प्लास्टिक अच्छा यहाँ पर सॉफ्ट टच है ओके बट द प्लास्टिक इज ऑफ गुड क्वालिटी नो टेक्सचर अच्छा है बिल्कुल तो बिल्ड क्वालिटी का वहां से प्रॉब्लम खत्म हो गया अच्छा अब बात करते हैं यूजर कंपैटिबिलिटी की सही है ब्लाइंड स्पॉट कम है सही ना रोड क्लियरेंस अच्छी अच्छा हाइटेड है बिल्कुल ऐसा ही है सही है ऐसा ही है और एडजस्टमेंट्स भी हैं आपके पास दोनों सीट में एडजस्टमेंट्स बिल्कुल तो हाइटेड है तो थोड़ी अच्छी ड्राइव है ऊंची ड्राइव है बोनेट नजर आ रहा है रोड क्लियरेंस अच्छी है अच्छा दूसरी चीज अलॉय व्हील्स इसमें कौन से अलॉय व्हील्स इसमें 18 इंच आते हैं अच्छा 18 इंच के 18 इंच आते हैं सस्पेंशन जो है वो अभी तक तो मुझे सॉफ्ट लगा अच्छा विजिबिलिटी भी क्लियर है साइड मिरर्स अच्छे बड़े साइज के हैं अच्छा क्वालिटी की मैं दोबारा तारीफ करूंगा नो डाउट क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी इज वेरी प्रॉमिसिंग लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग हर जगह जो भी है वो क्वालिटी का फील आता है यूजली एक मसला होता था पहले जब शुरू में यहाँ पे क्रॉसओवर एसयूवीज आनी शुरू हुई थी तो वो एक इशू होता था अच्छा तो अब जो हम बात कर रहे थे आज मैं ये गाड़ी खरीद लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल यूजर्स के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि लोग पहली दफा ही खरीदेंगे बिल्कुल उनके लिए ये होता है कि यहाँ पे बैटरी तो मिलती नहीं सही है तो बैटरी की कॉस्ट क्या आएगी अगर मैं रिप्लेस कराता हूँ कितनी वारंटी होगी इसकी और अगर कोई मुझे मसला आ जाता है बीच में तो मेरे पास क्या वे आउट है अच्छा इसका मैं आपको जो है वो बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ कि बेसिकली अगर कोई भी यूजर ईवी के ऊपर आज की तारीख में मूव करने का प्लान करता है जी. तो जाहिर है उसका सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि यार ऐसा ना हो कि मैं अपनी कंटिन्यूस जो एक कॉस्ट फ्यूल की एसोसिएटेड है उसकी नॉर्मल व्हीकल में वो बचाने के लिए एक वन टाइम ऐसी मेजर कॉस्ट अपने साथ जो है वो जोड़ दूं बैटरी की कि पता चले कुछ साल बाद मुझे बैटरी चेंज करानी exactly. पड़े तो वो एक बहुत मैं उस प्रॉब्लम में फंस जाऊं बिल्कुल सही है. तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा देखें हमारे पास आंसर ये है कि हम इस गाड़ी की बैटरी और मोटर आप यूं कह लें जैसे पेट्रोल इंजन के लिए जो है ना उसका सब कुछ उसकी जान जो होता है वो उसका इंजन और उसका ट्रांसमिशन होता है ठीक है इस गाड़ी के लिए इसका सब कुछ इसकी जान जो है वो इसकी बैटरी और इसकी मोटर है बिल्कुल ऐसी इन दो कंपोनेंट्स की हम वारंटी दे रहे हैं 8 साल और 150,000 किलोमीटर अच्छा विच एवर कम्स फर्स्ट यानी कि आइदर 8 years और 150,000 किलोमीटर परफेक्ट विच एवर कम्स फर्स्ट ठीक है तो ये कंसर्न और ये 8 years का जो टाइम फ्रेम है ये रखने का एक स्पेसिफिक रीजन ये है कि पाकिस्तान में एक एवरेज यूजर अपनी गाड़ी रखता है अप्रोक्सीमेटली 4 साल ठीक है तो 4 साल बाद जब वो अपनी गाड़ी रीसेल कर रहा हो सही है तो जो सेकंड यूजर है यानी गाड़ी का जो सेकंड ओनर है उसके भी जहन में एक जो है ना वो उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल अप है ना कि वो डिमोटिवेटेड हो कि जी मेरे साथ जो है वो एक बैटरी की कॉस्ट एसोसिएट होने वाली है उसको भी ये चीज अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल पे होगा कि जी अगले 4 साल भी बैटरी की वारंटी अभी बाकी है तो बिल्कुल और यही चीजें होती हैं जो कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू को भी ऊपर लेके जाएंगी परफेक्ट 100% बिल्कुल अच्छा ये सारे फैक्टर्स हैं अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो एडास है जी एडास सिस्टम किस लेवल का है क्या क्या फीचर्स हैं उसके अच्छा इसमें मैं आपको बताऊं एडास लेवल इसमें हमने लेवल 1 रखा हुआ है ठीक है और वो मैं आपको बता भी देता हूँ उसके अंदर क्या चीजें हैं उसके अंदर हमने एक तो दिया है इसका लेन डिपार्चर असिस्ट ठीक है दूसरा हमने उसमें दिया है फ्रंट कोलिजन वार्निंग ठीक है ये दो चीजें हमने दी हैं okay. अच्छा इसमें ऑटो ब्रेकिंग नहीं है हाँ, कोई भी मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि गाड़ी का कोई ऑटो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे रीजनरेटिव ब्रेकिंग बिल्कुल इसमें है रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें है रीजनरेटिव ब्रेकिंग अच्छा मैं यूजर्स को थोड़ा सा ब्रीफ भी करता चलूं जो ईवी से इतना ज्यादा वाकिफ नहीं है वो ये होता है कि जब भी आपकी गाड़ी आप एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो वो आपकी पावर कंज्यूम कर रही होती है इसी तरह जब आप गाड़ी को डिसेलरेट कर रहे होते हैं या आप ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं
तो वो हीट एनर्जी यानी कि थर्मल एनर्जी को यूज करते हुए बिल्कुल सही आपकी है। बैटरी को जो है कुछ पावर सप्लाई कर रही होती है जो कि ओवरऑल आपकी रेंज में तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर डायरेक्ट वो एक ही लेवल नहीं 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 वो एक ही लेवल है और वो जो है ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो बैटरी को सप्लाई कंटिन्यूअसली हो रही होती है। मतलब आप एक मिसाल अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, अभी आप जो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी जो है वो ये सारा फंक्शंस जो है ये परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है जी, ये एक चीज हो गई और बाकी अच्छा 360 वे कैमरा इज गुड वेरी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। वो पहले आप उसको यहां पे बहुत जरूरी है जहां पे भी हम चला रहे हैं खास तौर पे बहुत ट्रैफिक है यस बाइकर बॉयज जो है वो सब जगह पर है। तो अच्छा एट व्हाट स्पीड 360 व्यू कैमरा मैं ऑपरेट कर सकता हूँ 30-40 बिल्कुल नहीं नहीं आप इसको जो है वो चलती हुई गाड़ी में वैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल बट इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि आफ्टर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अभी जो करंटली है ना वो डिसेबल हुआ है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर ये डिसेबल्ड है। ठीक है क्योंकि नॉर्मली जो 360 डिग्री व्यू कैमरा का पर्पस होता है ना वो ये होता है कि आप किसी पार्किंग से निकाल रहे हैं या जैसे अभी हमने एक यू टर्न था बड़ा क्लोज था उससे निकाल रहे हैं उसमें नॉर्मली आपकी जो स्पीड होती है दैट इज 5-7-8 किलोमीटर तो उसमें बिलो 20 पे ही आपका यूजेज चल रहा होता है। सही है ठीक है। so, अच्छा, this is how it works. इसकी प्राइस क्या है इस टाइम पे? अच्छा इस गाड़ी की प्राइस जो हमने इंट्रोड्यूस की है दैट इज 9.2 मिलियन ओके BKR यानी के 92 लाख रुपए इसकी प्राइस है 92 लाख रुपीज ठीक है और ये गाड़ी यूजर्स को लोकली असेंबल्ड गाड़ी मिलेगी ठीक है okay. और इंशाल्लाह हम जो अपना पहला लॉट यूजर्स को दे रहे होंगे जी वो फेब में इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम डिलीवर कर रहे होंगे। तो लोग बुकिंग ऐसे कर रहे हैं अभी इसकी अभी बुकिंग कराने के लिए मैं आपको बताऊं 3 मिलियन का पे ऑर्डर बनेगा रीगल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम का और आपने हमें सबमिट करना है रिमेनिंग पेमेंट अभी। अच्छा जो अभी डिलीवरी टाइम है दैट इज मार्च जो अभी हम आपको कमिट कर रहे हैं दैट इज मार्च बैलेंस पेमेंट हम आपसे लेंगे फेब में और मार्च में इंशाल्लाह आपको गाड़ी देंगे। अच्छा ये भी मैं एक कंसर्न लोगों का जो है वो क्लियर करता चलूं कि अक्सर लोगों के जहन में एक चीज होती है कि जी अगर क्योंकि अभी आजकल एक ट्रेंड चला हुआ भी है कि जी डॉलर फ्लक्चुएशन इस तरह की है कि डॉलर नीचे की तरफ भी जा रहा है ठीक है कभी थोड़ा ऊपर आ रहा है लेकिन ओवरऑल एक डाउनफॉल के उस पर एक डिक्लाइन बिल्कुल एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। अगर डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है तो इनकेस द डॉलर प्राइसेस ड्रॉप्स हम यूजर्स को जिन्होंने फुल पेमेंट से गाड़ी बुक की होगी उनको उनकी अमाउंट्स रिटर्न भी करेंगे जी। और जिन्होंने पार्शियल पेमेंट से की होगी तो हम गाड़ी के प्राइस को फर्दर रिड्यूस करेंगे। एक मिसाल है अगर वो प्राइस में 3-4 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है 5 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है लेट सपोज की अगर डॉलर कोई 270 पे आ जाता है और प्राइस में एक मैसिव डिफरेंस आ जाता है तो वो कॉस्ट भी जो है वो हम अपने यूजर को ही बेनिफिट पास ऑन कर रहे होंगे। ठीक है ठीक है तो ये भी मैंने कहा क्लियर करता चलूं क्योंकि नॉर्मली ऐसा पाकिस्तान की इंडस्ट्री में हो नहीं रहा होता। बिल्कुल सही है। सो अच्छा जो मैं कंपेयर करूं अगर इसको दूसरी क्रॉसओवर एसयूवीज के अंदर ये कौन से सेगमेंट में फॉल करती है क्या है थोड़ा उसके बारे में भी। अच्छा मैं इसको यूजर्स के लिए थोड़ा सा अगर क्लियर करूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कि आप इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं इस गाड़ी को किया की स्पोर्टेज के साथ आप इस गाड़ी को कंपेयर कर सकते हैं ह्युंडई टूसॉन के साथ MG HS आती रही है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। अभी करंटली इसका एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो मार्केट में इंट्रोड्यूस होने वाला है दैट इज MG ZS EV बिल्कुल वो तो हो चुकी है ना बिल्कुल है। अच्छा ZS EV नहीं अभी तक MG 4 EV ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है ऑल दो ZS EV अभी आनी है तो बिल्कुल ऐसे ही है उसकी बुकिंग्स और उसकी प्राइस वगैरह अनाउंस कर दी है इन्होंने दैट इज एक्सपेक्टेड प्राइस जो उन्होंने अनाउंस किया दैट इज बिटवीन 130-150 बिल्कुल सही है उससे कंपैरिजन में तो 90 लाख रुपए बिल्कुल ऐसे ही है। तो दूसरा पावरफुल बहुत है 300 Nm टॉर्क है बिल्कुल ऐसे ही है 300 Nm टॉर्क है और 120 kW जो है वो हॉर्स पावर है अगर आप इसको HP में कन्वर्ट करते हैं तो समवेयर अराउंड 160-165 बन। अगर मैं दिखा पाऊँ तो इस रन में जो है हम थोड़ा इसको क्विक एक्सेलरेट कर लेते हैं बिल्कुल। अच्छा आप कहते हैं गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट भी कर सकते हैं if you can that will be great. अच्छा तीन मोड्स हैं शिफ्ट किया है तो स्पोर्ट्स हैं सही है थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है बट बिल्कुल लेट्स सी इफ जहां आपको थोड़ा सा स्ट्रेच मिले वहां आप इसको जो है वो बिल्कुल स्पोर्ट्स करके देखें और ये सही है भी आपको गाड़ी ने फ्रंट कोलिजन वार्निंग। अच्छा इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है ठीक है ठीक है नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है बहुत एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है। अच्छा तो अब ये जैसे स्पोर्ट मोड में चला रहे हैं मुझे क्या रेंज देगी अगर आप इसको कंटिन्यूअसली मैं ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स मोड पे ही चलाएं
तो ये जो रेंज है ये आपकी ड्रॉप होके आ जाएगी समवेयर अराउंड आप ये कह लें कि 290 to 300 देगी आप इसको सिर्फ स्पोर्ट्स मोड पे चला रहे हैं बिल्कुल। और येट अगेन मैं फिर यही बोलूंगा कि यूजर टू यूजर वैरी कर सकती है बिल्कुल सही है एक एवरेज यूजर की बात अच्छा MGZS के अंदर और इसमें एक डिफरेंस मुझे लगा कि जब मैंने आई थी MGZS हमने उसका एक रिव्यू बनाया था उसके अंदर रीजन जो है वो 3 levels का है सही है ठीक है तो नॉर्मल भी है फिर उससे ज्यादा है फिर उससे एक्सट्रीम ज्यादा है जिसमें वो वन पेडल ड्राइविंग पा जाती है इसके अंदर वन पेडल ड्राइविंग ऑप्शन नहीं इसके अंदर इसके ठीक है सही है वो MG4 के अंदर भी है वो उसके अंदर भी है बट जाहिर सी बात है प्रोडक्ट डिफरेंट होता है डिफरेंट प्रोडक्ट है मुझे बिल्ड क्वालिटी बहुत प्रॉमिसिंग लगी मुझे ड्राइव बहुत अच्छी लगी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं और आई गेस ये वेंटिलेटेड भी है वेंटिलेटेड प्लस हीटेड है अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि वेंटिलेटेड हम ऑफिशियली जो है वो क्लेम नहीं करते ऑल्दो द लेदर दैट हैज बीन यूज्ड इज ब्रीदेबल लेदर बिल्कुल तो जो आपका कंसर्न होता है ना नॉर्मली यूजर्स का कि जी आप नॉर्मली एक मॉडरेट वेदर में कराची के वेदर में अगर आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपकी बैग गीली हो जाती है जी ऐसे ही तो वो चीज नहीं होगी इनफैक्ट आप फील कर रहे होंगे बिल्कुल इस चीज में जो है वो काफी कंफर्टेबल सही है एट द स्क्रीन आई कैन सी द TPS गुड इन बिल्ड क्वालिटी एंड गुड वैल्यू टू मनी जो उसका ये CPU यूनिट है जो CKD यूनिट आएगा उसकी भी क्वालिटी हम चेक करके आपको बताएंगे लेटर ऑन Thank you all for joining in. You're most welcome. And we'll catch you in another video. So viewers, take care. Allah Hafiz. And don't forget to wear your seatbelts.